इनोवेशन फॉर चेंज इनोवेटिव पाठशाला के बच्चों को बहुत ही अच्छा अवसर मिला। कम उम्र में ही जो बड़ी बड़ी जागरूकताएं हैं जो बहुत ज़रूरी हैं उसके बारे में जाने, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक कोशिश ऐसी भी के माध्यम से एक ब्लड डोनेशन कैंप हुआ जो कि सोशल वर्क डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पूरे प्रोग्राम को उन्होंने वॉलंटियर किया, इसमें बच्चों ने सभी डोनर्स के साथ बातचीत करी, सभी डोनर्स की रिपोर्ट तैयार करी। ब्लड डोनेशन कैंप में जितने भी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं मैं उनका सर्टिफिकेट लेकर, बच्चे इतना उत्सुक थे कि बच्चों ने अपनी नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी उसमें रखी। मैं उन्होंने ब्लड डोनेशन के ऊपर जागरूकता करी, लोगों को बताया कि रक्त देना कितना ज्यादा आवश्यक है। एफसी जो है डांस के माध्यम से अपनी चीज़ों को बिखेरता रहता है, तो इसमें इन बच्चों ने डांस के माध्यम से दिखाया कि कितना ज़्यादा आवश्यक है। एक अच्छी ऑडियंस के सामने लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। बच्चों ने एंकरिंग भी करी, बच्चों ने वॉलंटियर वर्क भी किया, हमारे बच्चों ने फोटोग्राफी भी करी, वीडियोग्राफी भी करी। थैंक यू सो मच वर्षा वर्मा मैम की इस तरीके का आप इनिशिएटिव ले रही हैं, जिसमें हमारे बच्चे जुड़ रहे हैं, स्वयं भी जागरूक हो रहे हैं और साथ साथ अपने कला के द्वारा सभी लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। अंत में सोशल वर्क डिपार्टमेंट के जो HOD सर हैं उन्होंने और बाकी आए हुए अतिथिगणों ने टीम लीडर्स का भी काफ़ी मनोबल बढ़ाया, उनको भी सम्मानित किया। इनर व्हील क्लब प्रेरणा और इनोवेशन फॉर चेंज मिलके एक वर्कशॉप किया गुड टच बैड टच पे प्राथमिक स्कूल बगिया मऊ में। इनोवेशन फॉर चेंज की जो कोशिश थी वो कोशिश ये थी कि बच्चों के साथ मिलके बच्चों को जो आज के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है गुड टच बैड टच के बारे में उनको हम लोग सेंसिटिव कर सकें, उनको हम लोग बता सकें। वहाँ पर जाने के बाद बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में हम लोगों ने बताया। हम तुम्हें चॉकलेट भी खिलाएंगे, चलो मेरे साथ, मुझे इनके घर जाना है। साथ ही साथ पपेट शो करके हमने बच्चों को दिखाया। और आते आते हम लोगों ने बच्चों के साथ मस्ती की, डांस किया, बच्चों के हाथों पे टैटू बनाया। हेलो एवरीवन, आज हमने विलेज बगिया मऊ प्राथमिक स्कूल में इनोवेशन फॉर चेंज के साथ में मिलकर गुड टच और बैड टच पे हमने उन्हें पूरा बताया। कठपुतली का डांस भी हुआ और बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसे ही एक्टिविटीज़ बाकी स्कूलों में होती रहनी चाहिए, और हम और टीम इनोवेशन फॉर चेंज साथ मिलकर ये सब चीज़ें करने को तैयार हैं।